स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। मेरे को यार पता है पिछले वीडियो में ना एक कमेंट आया कि भाई आप वीडियो ना बैठकर बना लिया करो, आप हर वीडियो में खड़े रहते हो तो अभी बाहर घूम रहे होते हो। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया मैं ये वाली वीडियो रूम में अंदर इधर बैठकर ही बनाऊंगा लिविंग एरिया में। तो अभी बाहर यार मेरा दिल करता है वीडियो बनाने का, बाहर ठीक लगता है मेरे को। मेरे को आदत है बस, हर एक की हैबिट होती है, अच्छा लगता है। वेदर आज भी बाहर अच्छा है, 11-12 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी ठंड नहीं है। तो आपने बोला अब मैं बैठ कर ये वीडियो बना लूंगा, दिल करेगा तो बाहर भी चला जाऊंगा। तो खैर वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ये न्यूज़ पढ़ रहा था, तो मैंने देखी न्यूज़, फिर मैंने आर्टिकल भी एक रीड किया। तो भाई ये सच में इसके बारे में आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले एक दो चीजें आपसे बात करनी कि यहाँ पर अभी जिन्होंने इंडिया में कोविशील्ड लगाई हुई है ना वैक्सीन, जिनके दो कर आप लगवा चुके हो, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो यहाँ पर अभी बूस्टर जैब्स लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आ रहा है तो उन्होंने अगर कोविशील्ड वहां से लगवाई हुई है तो यहाँ पर आपकी बूस्टर जैब लग जाएगी, वो भी अब कह रहे इंपॉर्टेंट है। पता नहीं यार कितनी बार करवाना पड़ेगा ये सब। तो पहले दो वैक्सीनेशन हो चुकी है तो तीसरी अभी ये लास्ट है, आई थिंक ये लास्ट ही होगी, इसके बाद और ना ही लगे तो अच्छा है। तो बहुत लंबी लाइन लग रही है। तो अपने तो इधर क्वारंटीन यूनिवर्सिटी में आई थिंक मैंने सुना है, बता रहा था प्रदीप यार तक, इधर ही लगेंगी। तो बढ़िया है, जो स्टूडेंट आएंगे वो लगवा सकते हैं। और अभी जो यहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस है ना यार, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। आप खुद भी वहां पे इंडिया बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो, न्यूज देखा करो, आपके फोन पे सब पता लग जाएगा आपको। यहाँ पर एक दिन में पीछे 1500 के अराउंड 1500 केसेस आए, जो कि बहुत ज्यादा थे। तो डेली के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं यार क्या सीन है यहाँ का। तो वो न्यूज वाले बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में इतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी यूके में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो वेदर है ठंडा है। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, आपको पता है जब लंदन में सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो कितनी तेजी से डेल्टा वेरियंट जो था बहुत तेजी से फैला था। तो पूरे इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में तो बहुत ज्यादा फैल गया था उस टाइम पे। क्रिसमस वगैरह कुछ कोई मार्केट नहीं लगी थी, कुछ नहीं हुआ था। इस बार क्रिसमस की इतनी बढ़िया डेकोरेशंस हुई हैं, तैयारियां हुई हैं, इतना क्राउड है, फेयर लग रहे हैं, विंटर वंडरलैंड लंदन में सजाया गया है, बहुत अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। तो अभी लगता तो नहीं है कि अभी ऐसा कुछ लॉकडाउन लग जाएगा, अगर कुछ लगा भी तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट करेगी क्रिसमस के बाद ही करेंगे। अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर पीक पे चल रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो आप वहां से आ रहे हो तो अपने वैक्सीनेशन करवाया, तो यहाँ पर आके कोई चार्जेस नहीं है इसके। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे वैक्सीनेशन का कोई चार्जेस नहीं हुआ, आपके हेल्थ इंश्योरेंस आप पे करते हो। एक स्टूडेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस पूछी, देखो मास्टर वाले स्टूडेंट की हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम होती है, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो तो वो ज्यादा होती है। मैंने आई थिंक 75,000 के अराउंड पे की थी, जो मास्टर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इतनी ही होती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो बैचलर वाले स्टूडेंट का कोर्स होता है 3 साल का, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,80,000, 50,000, यहाँ तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जा सकती है, साल की 600-700 इतनी होती है। तो उसमें आपका सब कवर होता है, वो बढ़िया चीज है, होना चाहिए। तो और इसके बाद मैंने ये बोलना है कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे कैश लेटर नहीं आए अभी तक। तो भाई कैश लेटर आ जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आए थे पिछले सेमेस्टर में, और मुझे लग रहा है कि इस सेमेस्टर में भी बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं गया, सब इधर आए हैं। इसलिए यहाँ पर अभी स्टूडेंट बहुत आए हैं, और बीआरपी भी मिलने में थोड़ी डिले हो रहा है। तो बीआरपी भी जिनको नहीं मिलेगा तो वो आप रश मत करना, मिल जाएगा आपको बीआरपी, थोड़ा सा डिले हो सकता है। वो आपने एड्रेस खुद ही देना है, आपको जब आप करते हो ना अप्लाई तो आपके एजेंट ही आपका बताएगा कि आपने यूनिवर्सिटी से लेना है, कलेक्ट करना है। आपको उसमें ऑप्शन आती है, आप खुद भर सकते हो, तो आप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लो, वो बढ़िया है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस से करना है तो उसमें पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी के पास ही होता है। तो वो आपने देखना है कि आपने कहाँ से कलेक्ट करना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है ना, तो वहां से मिल जाता है। तो आप स्टूडेंट सेंटर को एंट्री का, जैसे स्टूडेंट सेंटर है हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से आपको बीआरपी मिल जाएगा। वो आप एड्रेस डाल देना, अपने एजेंट को बोलना कि हमने बीआरपी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना है, अगर आपने पोस्ट ऑफिस से नहीं करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको बीआरपी मिल जाएगा। पीछे मैंने देखा था क्वेंट्री यूनिवर्सिटी में जब गया था तो वहां पर 2-2 2.5 2.5 घंटे लग जाते हैं, लाइन में लगना होता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स थे। तो बीआरपी मिल जाएगा, बीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने संभाल के रखना है। आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो वो चाहिए, उसके बिना भी वैसे जॉब मिल जाती है, ठीक है। बाकी कैश लेटर आ जाएंगे, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स के वीजे भी आ चुके होंगे, क्योंकि अभी दिसंबर का मिड हो चुका है,
तो जनवरी में जो स्टूडेंट आने वाले हैं तो उनको ऑल दी बेस्ट है, बेस्ट विशेज है। फ्लाइट अभी चल रही है। बात पे आते हैं, जो मैंने आपसे बात करनी थी, मैंने 2 दिन पहले ही ये न्यूज पढ़ी, आर्टिकल रीड किया, मैंने चेक किया, मैं क्या कमाल है यार, ऐसा भी होता है। मतलब यहाँ पे इतनी शॉर्टेज हो चुकी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, लेबर की इतनी शॉर्टेज हो, जब से ब्रेक्जिट हुआ है उसके बाद तो पूछो मत आप। तो जितने यहाँ यूरोप के यहाँ पर आए हुए थे तो कुछ तो यहाँ पर सेटल हो गए, ठीक है। और यूरोप के यहाँ पर कुछ ऐसे बंदे भी, उनको लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ की इंग्लिश ही नहीं आती। जिस वेयर हाउस में मैंने पहले काम किया था ना, हेलो फ्रेश में, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे लाइक 100% में से आप लगा लो 20-25% लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती, वो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, पर फिर भी उनको लेबर जॉब है, तो वो पिकिंग का काम, पैकिंग का काम, तो उसमें क्या उन्होंने कम्युनिकेशन करना है, तो वो इजिली मिल जाती है, तो जस्ट पैकिंग करनी है, पिकिंग करनी है। पर मैं रिकमेंड करूँ, इंग्लिश तो आनी चाहिए, आप यूके में आ रहे हो ना, सीखो वहां से। जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं, मेरे को ऐसे भी मैसेज आते हैं कि पाजी हमें इंग्लिश आती नहीं है, तो हम वहां पे जॉब ढूंढ लेंगे। यार आप इंग्लिश की कोई बड़ा खेल नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, आप लिसनिंग करो वहां पर, मूवीज देखो इंग्लिश में, सीरीज देख लो, उसमें आपका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा, आपके लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया होंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है इंग्लिश सीखना, यहाँ पर आओगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जो यूरोप से यहाँ पर आए हुए थे ना, तो कुछ तो यहाँ पर सेटल हुए, कुछ वापिस चले गए, जिससे कि यहाँ पर अभी लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो चुकी है, इनको यहाँ पर वर्कर्स की सख्त जरूरत है। जर्मनी में भी ऐसा ही हाल है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि वहां पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जर्मनी में भी जो वर्कर्स हैं उनको भी चाहिए, स्किल्ड वर्कर भी चाहिए उनको, नॉर्मल वर्कर्स वेयर हाउस के लिए भी चाहिए, लॉजिस्टिक में भी चाहिए। और यहाँ पर अभी यूके में ऐसा हुआ है कि इनको लॉजिस्टिक में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, और ड्राइवर्स का तो आप पूछो मत भाई साहब, ड्राइवर्स की तो यहाँ पर बहुत कमी हो चुकी है। तो अभी ये ड्राइवर्स को यहाँ पर जो ट्रक का लाइसेंस है, तो अगर वो कोई बना लेता है यहाँ पर ट्रक का लाइसेंस ड्राइविंग का, तो उसके तो आप पूछो मत, सैलरी उसकी इतनी अच्छी हो जाएगी ना, 60-70 हज़ार पाउंड का पैकेज सुना है कि साल का कुछ कंपनीज दे रही हैं जिनको ट्रकिंग में। इनको ड्राइवर इस वक्त ड्राइवर चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर ड्राइवर्स की भी बहुत कमी हो चुकी है जब से ब्रेग्जिट हुआ है। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यहाँ पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लॉजिस्टिक पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, गुड्स टाइम पर नहीं आ रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं, आपने देखा ये पीछे सुना होगा न्यूज, अगर आप डेली चेक करते हो पीछे प्राइजेस बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के, तो ये सब ड्राइवर्स की कमी के कारण हुआ है। और अभी जो लेबर शॉर्टेज हुई है, क्रिसमस का टाइम है, जो अमेजोन है, डीपीडी है, अभी स्टूडेंट्स के पास ना यार इतनी ऑप्शंस आ चुकी है ना, मैं आपको सच बताऊं, अमेजोन वाले अगर आप वहां पे साइन अप करते हो, जस्ट साइन अप बता रहा हूँ, अगर आपने रजिस्टर्ड किया कि हाँ मैंने अमेजोन में काम करना है, तो वो आपको 1,000 पाउंड 2,000 पाउंड का बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं आपको। आपको पे रेट तो मिलना ही मिलना है, पे रेट भी मैं आपको बताता हूँ भाई क्या चल रहा है इन दिनों में। पिछले 1-2 महीने में तो यहाँ पर पे रेट का भी आप पूछो मत, 15-16-17 पाउंड ऐसे जा रहा है, तो नाइट शिफ्ट में भी ज्यादा जा रहा है। और अभी ये हॉलीडेज आएंगी 3-4 दिन की जो आएंगी, बैंक हॉलीडे, क्रिसमस हॉलीडेज, इन दिन पे काम, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर काम करेंगे उनको पे रेट मिलेगा डबल। तो ट्राई करना, जितने भी यूके में अभी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो इन दिनों में काम करना दबा के, कहीं भी आपको काम मिलता है, आप ज्यादा सोचना मत, आपको पे रेट डबल मिलना ही मिलना है, क्योंकि बैंक हॉलीडेज, क्रिसमस है, इन दिनों में आप काम करोगे तो आपको पे रेट डबल मिलेगी। तो मैं हार्डली आपको कहता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो बढ़िया से आप ट्राई करना कि आपको बढ़िया सी जॉब मिले, काम मिले, शिफ्ट मिले, तो आप नाइट शिफ्ट लगाओ, डे शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट मिलती है लगा लो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत रश हो जाएगा इन दिनों में। जो मेरे यहाँ पर क्लोज फ्रेंड है, मैं बार बता रहा हूँ आपको, अब वैसे वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो उनके नखरे इतने हैं कि वो पहले गए, उनको काम पसंद नहीं आया, ठीक है, 1-2 दिन वहां पे काम किया मैं, चलो जगह का नाम, यहाँ पर काफी सारे वेयर हाउसेस हैं, आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वो गए अपने प्रदीप, और यार वो मेरे को बोलेगा कि तूने मेरा नाम क्यों लिया तो बस मेरे, चलो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि और भी फ्रेंड्स थे, वो एक जगह जगह पे गए काम किया, उनको काम पसंद नहीं आया, ठीक है, फिर वो दूसरी जगह पे गए, वहां भी पसंद नहीं आया, तो भाई साहब ऑप्शंस देखो कितनी मिल गई है। तो उनको पूछो यार, जिनको जॉब नहीं मिलती है ना, तो यहाँ पर इनको जॉब मिल रही है, ये नखरे कर रहे हैं बहुत, कि मैंने बोला यार कर लो वहां पर ही कर लो काम, कोई बात नहीं, नहीं अब कहीं और देख रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्रिसमस भी आ रही है, नया साल आ रहा है, आगे फिर वैलेंटाइन डे, तो ये 3-4 महीने काम चलेगा यहाँ पर, और पिछले 2-3 महीने से ही अच्छा है। और मैंने आपको मेन रीजन जो बता दिया कि यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो चुकी है, एजेंसीज वालों का आपस में कंपटीशन चल रहा है, वो कहते हैं कि हमारे पास बंदे ज्यादा आ जाए। अगर आप किसी स्टूडेंट को रेफर करते हो, सपोज करो आप किसी
वेयर हाउस में किसी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप लेकर आते हो कि हाँ मेरा फ्रेंड है इस पे काम करना चाहता है, आपको एक लिंक देंगे, अगर वो आपके लिंक के थ्रू करता है तो उसको भी बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरे बंदे को भी बेनिफिट दे रहे हैं, 30-40 पाउंड उसको भी मिलेंगे। तो मेरे को भी एक लिंक दिया था, तो चलो जो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे मैं लिंक को शेयर कर दूंगा यहाँ पर जिसने जॉब करनी, और सभी को पता ही है अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20-30 पाउंड जो भी है वो एजेंसी वाले पे करते हैं, और डीपीडी कंपनी है वो भी इस वक्त 1000-2000 पाउंड, अमेजोन वाले ज्यादा दे रहे हैं, 2000 तक दे रहे हैं और डीपीडी वाले 1000 तक दे रहे हैं। ये साइन अप बोनस है, इसमें ऐसा है कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप इन 3 महीने हमारे साथ अगर काम करते हो, ठीक है, तो आपको हम 2000 बोनस एक्स्ट्रा देंगे, 2 लाख रुपया इंडिया का लगा लो आप, और सैलरी जो आपकी वेजेस 12-13 पाउंड 14 पाउंड पर आवर आना है वो सब आना ही आना है, वो आप जो ओवर टाइम करोगे तो वो सब आना ही आना है, वो अलग से है, तो वो इतने पैसे आपको मिल रहे हैं। अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो वो आप पैसे आधे कर लो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम करते हो, अगर आप फुल टाइम कर सकते हो, अगर आपके पास वर्किंग राइट्स हैं तो इतने पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी 2.7 मिलियन मैंने आपको बताया जो कि बहुत ज्यादा है, और पीछे एम्प्लॉयर्स ने 2 लाख के अराउंड वैकेंसीज निकाली हैं, तो इतनी यहाँ पर कमी हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करेगी, वीजा रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ईज होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा हिल जाएगा, प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर शॉर्टेज होगी गुड्स की, क्योंकि लॉजिस्टिक में अगर ड्राइवर्स ही ना रहे तो। यूके सच बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें आप खाते हो ना यहाँ पर सभी ये यूरोप से मंगाते हैं, मैंने वहाँ हेलो फ्रेश में पीछे काम किया था, वहां पे जितना फूड जो भी आता है ना सब इटली से आ रहा है, कुछ स्पेन से आ रहा है, कुछ नेदरलैंड से आ रहा है, कुछ पोलैंड से आ रहा है, भाई सब सब ये बाहर से मंगाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन, यहाँ पर खेती बाड़ी का काम इतना नहीं है, यहाँ पर आलू वगैरह ही उगता है, जितना आता है ना स्पेन इटली से बहुत आता है यहाँ पर खाने पीने का सामान, बहुत ज्यादा ये बाहर से मंगवाते हैं। तो ये यहाँ पर इनका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक वेदर भी ऐसा है, बारिश हो जाती है, क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी तरह से नहीं ग्रो किया जा सकता, तो इसीलिए इनको बढ़िया वहां पर धूप निकलती है, स्पेन हो गया इटली में धूप अच्छी निकलती है, वेदर अच्छा है वहां का, और यहाँ पर पाउंड है वहां पर सस्ता पड़ता है इनको, वहां पे यूरो चलता है, वो स्पेन और इटली आपको पता है इतना महंगा नहीं है, तो यूके के लिए ठीक है, वो वहां से सीधा मंगवा लेते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट में ही कमी आ गई, ड्राइवर्स ही ना रहे, लॉजिस्टिक में कमी आ गई, तो चीजें दाम बढ़ जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो इस चीज पे ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बाकी जिनके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है भाई उनके तो मजे हैं। तो जो स्टूडेंट आते हैं ट्राई करो कि यहाँ पर आकर आप अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ट्राई करो कि आपको मिले, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल दो, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सीखो, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में भी है। और अगर आप ट्रैकिंग लाइन में जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं ट्राई करूंगा, एक वीडियो उसके लिए भी पूरी डिटेल में बनाऊंगा, मुझे पीछे बोला भी था एक पाजी ने कि उसके बारे में भी एक वीडियो बनाओ, पर मुझे अभी तक कोई बढ़िया बंदा मिला नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो, तो उसके बारे में भी जरूर मैं ट्राई करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। मुझे नहीं लगता मुझे अभी और कुछ आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको जस्ट मैंने शो करना था कि यहाँ पर अभी हालात कैसे चल रहे हैं, लॉकडाउन का यार अभी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर अभी क्या होता है, ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, पर इनको अभी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ, लॉकडाउन लग गया, क्योंकि अभी बंदे चाहिए। अभी मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो बाहर का माहौल देखते हैं, बाहर मैं अभी नहीं आज निकला सुबह से, तो आ गया मैं फिर से, अंदर बैठा था मैं फिर बाहर आ गया, तो ठीक है ठंड कम है, धूप तो निकली नहीं है पर धूप लग रहा है निकल जाएगी क्योंकि क्लाउड्स हैं आगे, पर 11-12 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है, बाकी ये तो देखो बिल्कुल ही पत्ते झड़ गए हैं, गंजा हो गया बेचारा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो जो आप फ्लाइट का पूछ रहे हो, अगर आपने यहाँ पे यहाँ भी फ्लाइट्स के टिकट तो बहुत महंगी हो चुकी है, टिकट्स के प्राइस आप पूछो मत, तो एयर इंडिया ठीक है, विस्तारा ठीक है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी में भी आ सकते हो, तो एयर इंडिया ठीक है यार, वहाँ पे एयर इंडिया में अपना इंडियन फूड मिल जाता है, मैं लास्ट टाइम तो मैं एयर इंडिया में ही था, और वो ठीक है उसकी कैंसिल भी नहीं होती, एयर इंडिया चलती है, तो मैं आपको एयर इंडिया रिकमेंड करूँगा, वो आप देख लेना आपको जैसे ठीक लगता है, और एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस उसका जो टिकट का प्राइस है वो जेन्युइन है, वो ठीक है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो बेस्ट विशेज हैं जो जनवरी में आना चाहते हैं, और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। आपसे बातें करते करते मुझे वहाँ अभी राइट साइड में मेरे सूरज दिखना स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है गाइज, अपना दिसंबर का महीना वहाँ पर इंजॉय करो, बढ़िया है, सब जगह ठंड है, टेक केयर, बाय बाय।